उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा की चुनावी बेल क्या शुरू हुई, तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कानपुर के नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी की बैठक हुई। बैठक के दौरान MLC अरुण पाठक सहित कई नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक पर जमकर आरोप लगाए हैं। अरुण पाठक ने कहा कि सपा विधायक ने वहां पर कोई विकास कार्य नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। वो भाजपा के जरिए किए गए विकास कार्य को आर्यनगर तक भी पहुँचाएंगे। अरुण यादव ने आगामी चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवार के जीतने का दावा किया है। आर्यनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस प्रकार के विकास के कार्य कराए गए और सरकार द्वारा जिस प्रकार की यहाँ पे विशेष चिंता रखी गई, आज हम उसको हम सब बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए थे। लेकिन साथ ही साथ ये अफसोस भी है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जन सुविधाओं के लिए जो संघर्ष जो बात होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिली, और शायद अब की यहाँ की जनता उसका भूल सुधार भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएगी भी। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस खास तौर से इस विधानसभा में एक सीवर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इस विधानसभा में गंगा का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, इसलिए सरसैया घाट और भगवदास घाट में वहाँ के घाटों का सुंदरीकरण भी हुआ है, और जो इस विधानसभा में झगरगटी पुल आता है वो भी जल्दी शुरू होने वाला है, और एक सरसैया घाट से ट्रांस गंगा सिटी में जो इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत देने वाला है जो पुल है उसका DPR भी तैयार है, उसमें भी जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। जाहिर है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बुखार बड़े तेजी से सबके सिर पर चढ़ रहा है, और यही वजह है कि नेताओं के जरिए बयानबाजियों का दौर भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में किसका दावा कितना सच्चा है और कौन कितने पानी में है, ये जनता आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर बताएगी। दिल से UP चैनल के लिए कानपुर से दिवाकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।